मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म
कि रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी,
वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई,
वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी,
2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे।
इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ
यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में
वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफी।
मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में, वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में, वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म
कि रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म के रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी,
वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई,
वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म ये कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी,
2009 में फिल्म बनी थी और ये एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी। 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी। 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे।
इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वो फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ
यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपये की थी। इस फिल्म की कहानी भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी ज़बरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नज़र आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में
वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफी। मूवी रिव्यू और फैक्ट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं और उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म की रिव्यू आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है वांटेड। वांटेड फिल्म की कुल कमाई कितनी थी, यह फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी, वांटेड फिल्म में कितनी लागत हुई थी, कितनी कॉस्ट में यह फिल्म बनी थी, वांटेड फिल्म में कौन कौन से अभिनेता ने अपना अनुभव किया है, कौन कौन से लीड रोल में आपको कलाकार दिखेंगे, कलाकारा दिखेंगी, और किस तरीके से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, तो सलमान खान के करियर के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म यह कैसे साबित हुई, वांटेड फिल्म की कहानी और फैक्ट क्या है, कुछ ऐसे भी अननोन फैक्ट हैं जो कि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। सबसे पहले, वांटेड फिल्म जो है यह 2008 की फिल्मों में आई हुई थी, 2009 में फिल्म बनी थी और यह एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रभु देवा ने और निर्माण बोनी कपूर ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, महेश मांजेकर आदि मुख्य किरदार में आपको दिखाई देंगे। इस फिल्म में सलमान खान ने एक आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक है जो तमिल फिल्म देवा का रीमेक है। इस फिल्म में आपको कई सारे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन फिल्मों के साथ यह फिल्म नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण रोल में भी आपको यह फिल्म दिखने वाली है। जबरदस्त एक्शन कॉमेडी ड्रामा के साथ ये फिल्म साबित होगी। इस फिल्म की कुल लागत 35 करोड़ की थी और वहीं इसका कुल कारोबार जो था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में वह 91 करोड़ रुपए की थी। इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है, इस फिल्म की लागत भी जबरदस्त है, इस फिल्म में कार्य करने वाले सभी अभिनेता भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से अपना अपना कार्य किए थे। तो दोस्तों, सलमान खान के फैंस के लिए यह मूवी देखनी चाहिए क्योंकि वह फिल्म काफ़ी